उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रीता बहुगुणा जोशी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकती है। हालांकि अभी यह सिर्फ अटकलें हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक रीता बहुगुणा जोशी और उनका बेटा मयंक जोशी बीजेपी के संपर्क में है। बताया जा रहा है कि रीता कांग्रेस के पूर्व नेता विजय बहुगुणा के जरिए बीजेपी के संपर्क में है। दरअसल रीता बहुगुणा जोशी को लग रहा है कि यूपी में कांग्रेस की राजनीति हाशिए पर चली गई है। पार्टी ने सीएम उम्मीदवार के तौर पर शीला दीक्षित को पहले ही उतार दिया है और इसके अलावा राज बब्बर के पास यूपी कांग्रेस की कमान है। पिछले दिनों राहुल गांधी की खाट सभाओं और अब संदेश यात्राओं से भी रीता बहुगुणा नदारद दिख रही हैं। ऐसे में अब रीता के पार्टी छोड़ने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि 67 साल की रीता बहुगुणा बड़े सियासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। रीता यूपी के पूर्व सीएम हेमवंती नंदन बहुगुणा की बेटी है। रीता के भाई उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा है। रीता बहुगुणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, यूपी कांग्रेस की कमान भी संभाल चुकी हैं और अभी लखनऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव सर पर है और अगर वाकई में रीता बहुगुणा बीजेपी में शामिल होती है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा और बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि रीता एक ब्राह्मण चेहरा है और यूपी की सियासत में काफी वक्त से सक्रिय है। देखते रहिए टीवी लाइव।